वेलकम कर रहे हैं हम नए ब्लॉग में। तो अभी तक के जो भी ब्लॉग आपने देखे वो कैसा लगा? कंटिन्यूशन में ही ये वाला ब्लॉग जो है इसमें हम आपको अब लेके जाने वाले हैं नामची। पिछले वाले में हमने आपको दिखाया था कि हम गंगटोक से आए होते हुए हमें जाना था रावलंगा, बट बीच में हमने टेमिटी स्टेट भी आपको दिखाया। और उम्मीद करते हैं आपको बुद्धा पार्क रावलंगा बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी हम रावलंगा से जा रहे हैं नामची। जो रावलंगा से नामची जाने का ये जो रास्ता है, हम जिस पिछले ब्लॉग में जिस रास्ते से हम आए थे वही रास्ते पे हमें अभी 12 किलोमीटर जाना है और उसके आगे हम नामची जाएंगे और फिर नामची से हम पेलिंग जाएंगे। पेलिंग में हमारा स्टे रहेगा आज का और पेलिंग में आज हम इस ब्लॉग में आपको रूम टूर भी कराएंगे। तो अगर आपको ये शानदार वाला जो अभी रास्ता हम ले रहे हैं वो देखना है तो आप पिछला ब्लॉग जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि अभी आप मेरे बहुत कोहरा है, तो एक घंटा पहले लगभग हम जब इस रास्ते पर आ रहे थे तब यहाँ पे इतना कोहरा नहीं था। तो पिछले व्लॉग में आप इस रास्ते को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक ग्रीनरी के साथ वाला ये रास्ता है। तो हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं शानदार नज़ारे। अभी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और आप देखो ये रास्ता कितना, मतलब रास्ता खराब है चलाने के लिए तो गाड़ी, बट आसपास का ये जो नेचर है वो बहुत जबरदस्त है। ये रास्ते को थोड़ा सा अच्छा बना देना तो इस रास्ते पे ना गाड़ी चलाने का जो मजा आ जाएगा आपको। तो ये रावलंगा से नामची जाने का रास्ता है और चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रहा है, घना जंगल और घना फॉग। ये देखिए अभी हम बिल्कुल ही ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जो आपको लेह लद्दाख और स्पीति वैली की तरफ जब आप जाते हो तो जैसा रास्ता होता है वैसा है। ब्यूटीफुल वैली है यहाँ पे, साइड में आप देखें कितनी शानदार नजारा आ रहा है यहाँ। देखिए आप, और बाइकर्स भी आपको दिख रहे होंगे सामने। और यहाँ से देखिए पानी गिर रहा है नीचे की तरफ। तो ये एकदम, अगर आपको ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करना है बाइक पे तो भी ये बहुत ही शानदार है। और आप ये व्यू देखिए, ऐसा शानदार व्यू आपको कहीं देखने मिलेगा। एक टर्न लिया जो कि गंगटोक से हम आ रहे थे तब नामची के लिए सीधा रास्ता जाता है। तो अब आप रोड देखिए, जो हम अभी तक आ रहे थे वो रोड बहुत खराब था पर उतना ही सीनिक था। अब ये रोड थोड़ा सा अच्छा है तो अब हम स्पीड में फटाफट चल रहे हैं नामची की तरफ। नामची जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, 2 किलोमीटर और है। ये रास्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है नामची में, कितना अच्छा है। साइड में ये रेड कलर के कुछ है पौधे, तो ब्यूटीफुल लग रहा है बहुत। आ गए हैं नामची के वो फेमस स्पॉट पे जिसे चार धाम कहते हैं। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ के फेमस स्पॉट। यहाँ का टाइम टेबल देख लीजिए आप, ये चार धाम, यहाँ पे आपको ये एंट्रेंस है धाम का। और मैं आपको थोड़ा सा, अभी क्या धूप भी अच्छी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति है बहुत बड़ी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो दिख रही है आपको, ये बहुत बड़ी मूर्ति। अभी इस पे कुछ काम चल रहा है इसलिए, नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हम लोग अभी बहुत ऊंचाई पर भी आए हैं, ये लिखा है एंट्रेंस टू धाम, देखिए आप।
अभी हम उसके और पास देखते हैं जा सकते हैं कि नहीं। और ये कार पार्किंग है यहाँ पर, चले आरती अंश। तो ये देखिए आप चार धाम का पूरा व्यू। तो एंटर होने के जस्ट बाद आप यहाँ शू स्टॉल पे शूज निकाल सकते हैं अपने। देखिए हमने शूज निकाल दिए हैं और अब देखिए हम इस शानदार जगह को एक्सप्लोर करते हैं बाप के साथ। ये नजारा तो देखिए है आरती, जबरदस्त लग रहा है यार ये। हाँ अरे पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, पहाड़ और पूरे बादल हैं, जबरदस्त। तो ये चार धाम वाले जो पूरा सीन है, मतलब यहाँ पे जो भी है हम आपको आज दिखाने वाले हैं, तो ये पूरा देखिए। तो देखिए बद्रीनाथ भी है इसमें, रामेश्वरम है, जगन्नाथ है, द्वारिका धाम है और कृते कीरतेश्वर मंगीम, ये मेन टेम्पल है पूरा। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए ज्योतिर्लिंग, सारे के सारे ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमा शंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वेश्वरा, त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर और घुश्मेश्वरा। तो चलिए ये मैप आप समझ गए, तो अब हम अंदर चलते हैं। इस मैप में बहुत बड़ा है और भीड़ कम है, सबसे अच्छी बात यह है। यहाँ पर भी जाने का रास्ता है और इधर से भी है। तो ये देखिए ये पहला कीरतेश्वर मंकिन करके ये है और यहाँ पर आपको जगन्नाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे। ये जगन्नाथ, ये एक्चुअली सारे धाम की रेप्लिकाज हैं यहाँ पर। तो ये जगन्नाथ धाम है ये देखिए, और इस तरफ देखिए ये शानदार एकदम। पहले जगन्नाथ धाम के लिए आगे बढ़ते हैं, आइए। और ये मेरे बाजू वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो रामेश्वर धाम है। जय हो जगन्नाथ जी, ये रामेश्वर धाम है, ये लिखा है यहाँ पे देखिए। एकदम ओरिजिनल ही लग रहा है ना पूरा, मतलब अंदर जाओ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर जैसे हम सही में मंदिर में आए, रेप्लिका है पर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। अभी हम चलो ईश्वर धाम भी कर लेते तो अपने तो चारों धाम इधर ही हो जाने वाले हैं। चलो ये देखिए आप, अब यहाँ से आपको दिख रहे हैं ना शिव जी। इनका अभी कुछ है ना एक्चुअली पेंट वेंट का कुछ काम चल रहा है इसलिए ऐसा लगा रखा, नहीं तो ये जो ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये फव्वारे भी अभी बंद कर रखे हैं इन्होंने मेंटेनेंस के लिए, हमने अभी पूछा। तो ये जो पूरा व्यू दिखता है ना, और बोलते हैं कि यहाँ पे शाम को लाइटिंग होने के बाद ये और भी खूबसूरत लगता है, दोनों तरफ फूल हैं। अभी हम जगन्नाथ धाम गए, अब हम जाते हैं रामेश्वर धाम। इन्होंने बहुत अच्छे से रेप्लिका बनाई है, बहुत अच्छा। और धुंध होने लग गई देखिए वापस, अरे यहाँ पे कैसे मौसम पलटता है ना आरती। अभी फोटो खींचा हमने, ये देखिए वाह, जय हो। ये देखिए दर्शन करिए आप व्यूअर्स, भले रामेश्वरम हम नहीं है पर ये रामेश्वरम जी की रेप्लिका है। और देखिए आप यहाँ पे अभी से ही धुंध हो गई पूरी, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पूरा मौसम साफ था, देखिए धुंध उड़ रही हवा में। चलिए हम दर्शन करने चलते। ये देखिए अभी कुछ देर पहले का आप देखिए और कैसा हो गया, ये पूरा धुंध में कवर हो गया। तो अब हम चल रहे हैं द्वारिका धाम इस तरफ सामने, यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया है, बहुत अच्छी कलाकृति बनाई गई है सच में, मानना पड़े। और अब यहाँ शिव जी भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए प्रभु है आरती, पूरा ही गायब हो गए। और ये फूल तो इतने सुंदर लगते हैं ना। तो ये रहा द्वारका धाम, आइए द्वारका धाम, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया जी। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, अंदर शूट करने को मना करते हैं लोग तो इसलिए मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। और धुंध देखिए, तो ये था रामेश्वरम, उधर थे जगन्नाथ धाम, अब हम तीसरे धाम कर रहे हैं।
पीछे देखिए आप कितनी धुंध हो चुकी। देखिए अभी हम लोगों ने ये द्वारका धाम करा है। अब ये जो पूरा एरिया है, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी स्थापना करी गई है। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। धुंध इतनी हो रही है ना, ये देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है ये, और ये है सोमनाथ। ये देखिए आप यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगर सिक्किम आओ नामची, यहाँ पे जरूर आइए आप चार धाम में, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें करने मिलेंगी। और नंदी महाराज देखिए आप कैसे बैठे हुए हैं शिव जी के मतलब शिव जी की सेवा में। देखिए आप, तो ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर इतना वो नहीं होगा और शिव जी तो दिख ही नहीं रहे। शिव जी प्रभु अभी कोहरे में है। और ये देखिए घंटी, ये घंटी है कि क्या, इसको बजाने के बाद आवाज कितनी आती होगी, बहुत सुंदर है। पर देखिए ना आप कोहरा कितना हो गया, अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल कोहरा नहीं था और सूरज हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मैं ज्योतिर्लिंग आपको दिखाता हूं। अब ये कौन से हैं, घूमेश्वर, तो ये है घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो मेरे प्रभु। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं एक एक करके ज्योतिर्लिंग पे जाऊंगा। और ये हैं, रुकिए अभी दिखेंगे, ये है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। वाह, तो ये चार ज्योतिर्लिंग अभी आगे की तरफ हैं, हम आगे ऊपर चढ़ते हैं अभी यहाँ पे, बाकी के ज्योतिर्लिंग भी दिखा। ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो प्रभु की। तो ऐसे ऊपर से हम चढ़ के आए, अब आगे और हैं। तो ये है छठा ज्योतिर्लिंग, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो शिव शंभु। तो ये शिव जी की प्रतिमा जो है इतनी बड़ी, इसके चारों तरफ इन लोगों ने ज्योतिर्लिंग रखे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, सच में इट्स वेरी गुड। ये है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, देखिए आप। जय हो प्रभु। अब हम आ गए हैं सेतुबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जय हो प्रभु, जय हो शिव शंभुनाथ की। ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। और अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ हम जाते हैं। हम देखिए परिक्रमा कर रहे हैं शिव प्रतिमा की। और अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ चार धाम से आपको जो माउंट कंचनजंगा है उसका भी व्यू आता है साफ दिन पे। ये है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बहुत अच्छा लग रहा है 12 ज्योतिर्लिंग की एक ही जगह पे। जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय। तो ये पूरी परिक्रमा करते हुए हम सारे जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग है, आप कोहरा देखिए, कोहरा भी है और धूप भी है। ये मैंने पहली बार देखा है कि इधर है ना सूरज भी दिख रहा है और नीचे की तरफ कोहरा है यहाँ पे। तो ये अगले ज्योतिर्लिंग पर अब हम आ गए हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये देखिए, ओम नमः शिवाय। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ पहले बता रहे हैं, अंदर हम बाद में जब शूट नहीं करेंगे, शूट करना अंदर अलाउड नहीं है। ये शिव जी की अगर प्रतिमा पूरी सही तरीके से अगर अभी कंप्लीट होती तो क्या जबरदस्त नजर आता। और ये है महाकाल ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर उज्जैन। ओम नमः शिवाय। तो हमने पूरा घूम लिया है, एक राउंड पूरा कर लिया।
ये यहाँ से शुरू करा था हमने पहले ज्योतिर्लिंग से, और हमने पूरा चारों तरफ चक्कर काटा है, और बहुत अच्छा सुकूनदायक जगह है एकदम माननीय। देखिए क्या शानदार लुक आ रहा है, आप देखें वीडियो में, ये देखिए ये ज्योतिर्लिंग और वहाँ पे रामेश्वरम का वो पूरा, और पीछे जो सीन आ रहा है, आहा अद्भुत अद्भुत एकदम अद्भुत। और यहाँ पे देखिए जय जय भोलेनाथ जय शंभू, बहुत अच्छा बना है ना। तो पूरा एक सवा घंटा हम लोग यहाँ पे थे, और हमने अच्छे से नाम जी के इस फेमस जगह चार धाम में दर्शन वर्शन करे अच्छे से। बहुत अच्छी जगह है, अगर आपको यहाँ पे सारे मंदिरों का 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम का अगर एक ही जगह पे दर्शन करने हैं तो ये सबसे बेस्ट जगह है, आप आइए यहाँ पे। एंट्री फी भी सिर्फ 50 रुपीज़ है, बहुत अच्छे से दर्शन करें, बहुत वर्थ है, क्योंकि आपको दर्शन करने मिले भले ही असली ना वो जगह ना सही, पर बहुत अच्छी बना है। अगर आशा हो तो ये भी सच्ची लगेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है मंदिर, देखिए दूर दूर पूरा, ये देखिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आके बैठिए थोड़ी देर, सुकून के पल लीजिए, ऐसी बेंच पे बैठ के आराम से पूरी प्रकृति का आनंद लीजिए आप आसपास। तो ये शू स्टॉल पे हम आ चुके हैं, अब शूज़ लेते हैं और चलते हैं फटाफट नीचे, क्योंकि बज गए हैं लगभग शाम के 5, आज हमारा लंच स्किप हो चुका है, और तीन दिन से हमारा लंच स्किप हो जाएगा, क्योंकि लंच का हमें कहीं रुकने का होता ही नहीं है, और पहलिंग पहुँचने में अभी 2 घंटे 2.5 घंटे और लगेंगे हमें, तो हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से 5 बजे, हमारी होटल ऑलरेडी बुकड है वहाँ पे। तो अभी हम लोग चार धाम जाते हैं नामची, उसके बाद हम लोगों ने आधे घंटे का हॉल्ट लिया था, क्योंकि मैंने और आरती ने लंच नहीं करा था, तो हमने एक ना रास्ते में एक छोटा सा ऐसे बार कैफे आया था, तो उसमें हमने कुछ खाया, कॉफ़ी वॉफी चाय पी, और फिर अब हम यहाँ से निकल चुके हैं नामची से पेलिंग के लिए। तो ये रास्ता अभी नया बन रहा है, तो थोड़ा सा देखिए टूटा हुआ सा है, बट अगर आपको ऑफ रोडिंग का अगर सही में मज़ा लेना है ना तो सिक्किम आ जाइए, ऑफ रोडिंग का पूरा मज़ा आ जाएगा। अभी पेलिंग के लिए जा रहे हैं, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रंगीत नदी को, जो कि तिस्ता नदी में जाके मिलती है। ये भी बहुत बड़ी नदी है, आप इसका फ्लो देखेंगे तो आपको बहुत होगा आश्चर्य। ये देखिए बहुत बड़ी नदी है ये, तो हम अभी पूरा ऊपर वो पहाड़ों में से नीचे आए हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर कहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर, हाँ, तो लगभग हम जमीन पर आ चुके हैं, और अभी हम लोग वापस चढ़ान चढ़ेंगे, क्योंकि पेलिंग नामची से भी ज़्यादा ऊंचा है। और देखिए लगभग शाम के 7:45 हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा अब अंधेरा होना शुरू हो चुका है लगभग, तो हम लोग अब हाइट अटेंड करेंगे पेलिंग के लिए। बहुत ऊंचाई के पहाड़ों से हम कहाँ से उतरते हुए आए, पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ पे। अभी हमें नामची से जब हम निकले थे तो ओनली 48 किलोमीटर बता रहा था पेलिंग, पर टाइम बता रहा था 2 घंटे से भी ऊपर, तो पहाड़ों में तो ऐसा ही होता है कि टाइम बहुत बताता है। तो अब रोड थोड़ा अच्छा भी हुआ है हल्का सा। तो ये है माउंट मैग्नोलिया होटल, आपको ये लोअर पेलिंग में आपको मिलेगी देखने को, यहाँ पे साइड में उसका नाम भी लिखा हुआ है, और आगे इधर सारी होटल्स ही हैं लाइन में आगे और पीछे मेरे। तो हमें मिला है रूम नंबर 62, जो कि आरतियाँ सामने खड़ी है माउंट मैग्नोलिया का। ये देखिए ये इसका बाथरूम्स है, ये हमारा रूम है, देखिए आप यहाँ पे लगेज रखने के लिए। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे ना तो पंखा है और एसी नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ठंड बहुत है, पर हमें अभी तक ठंड तो नहीं लग रही है। ये टीवी, और ये है पूरा रूम की साइज तो बड़ी। ये वैली बहुत बड़ी है, मैं जरा खिड़की खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए
जो ये गैंगटॉक में दिखाई थी उससे तो बहुत डबल टिबल हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी वैली है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से ये आज हमारे साथ अनलकी हम लोग, ये बादल हैं सामने की तरफ, नहीं तो माउंट कंचनजंगा जो है यहाँ से क्लियरली विजिबल होता है। तो ये पूरा, ये देखिए वैली कैसी है, बहुत बड़ी वैली है। जो हमारे रूम से अगर हम सोएंगे तो सीधा ऐसे पूरा दिखता है व्यू, जबरदस्त है चीज़।